आप देख रहे हैं ब्रजभूमि न्यूज, ब्रज की सांस्कृतिक विरासत के दर्शन का माध्यम ब्रजभूमि न्यूज। राइजिंग स्टार बने मथुरा की हेमंत ब्रजवासी अपने घर आने के बाद पहुंचे अपने ताई यानी अनीता पाठक के यहाँ, जहाँ अनीता पाठक ने खुशी से किया स्वागत और दिया सम्मान। हेमंत के साथ हेमंत के सभी भाई भी पहुंचे, क्योंकि चारों भाइयों ने किया था राइजिंग स्टार में पार्टिसिपेट। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि 2009 में बने लिटिल चैंप्स हेमंत ब्रजवासी अब 2018 में बने हैं राइजिंग स्टार विनर। मथुरा पहुंचने के बाद हेमंत ने अपने ठाकुर जी यानी बांके बिहारी को अपनी ट्रॉफी चरणों में भेंट की थी। आज हेमंत पहुंचे उद्योगपति महेश पाठक जी के घर, जहां सभी भाइयों एवं पिताजी का स्वागत किया गया और महेश पाठक जी की धर्मपत्नी अनीता पाठक ने मोमेंटो देकर हौसला अफजाई की, जिसमें हेमंत भाव विभोर हो गए और अपनी ट्रॉफी को भी अपनी ताई की गोद में देकर अपनी भावनाओं को प्रकट करते हुए खुश होने लगे। हाँ जी, बताया आप राइजिंग स्टार विनर बने हैं और 2009 में लिटिल चैंप विनर भी बने थे, तो क्या मानते हैं और किस तरीके से स्ट्रगल किया आपने? मैंने तो बिल्कुल स्ट्रगल नहीं किया, मैं सच्ची बताऊं आपको, सच बताऊं मैंने कुछ भी स्ट्रगल नहीं किया। ये सब मेरे बड़ों का आशीर्वाद है, हमारे ब्रजवासियों का आशीर्वाद है, जिन्होंने अनंत प्रेम मुझे दिया है और हमेशा मुझे सम्मान देते हैं, मुझे आशीर्वाद देते हैं। तो ये सब मेरे ब्रजवासियों का, ये मेरा कुछ भी नहीं है, मेरे ठाकुर जी के लिए ये सब। ये सभी ब्रजवासियों और भारतवासियों का प्यार है, जिसका मुझे फल मिला है। सबसे बड़ा हाथ मेरे बांके बिहारी का है, उनके बिना मैं कुछ नहीं। अभी अपनी कामयाबी के पीछे किन किन लोगों का सपोर्ट मानते हैं? सबका सपोर्ट है सर। सबसे पहले तो ठाकुर जी, जो हमारे आराध्य हैं, राधा रानी, जमुना जी मैया और मेरे पापा तो हैं, जिन्होंने बचपन से मुझे, मेरे गुरु हैं। हम चारों भाइयों में सुर है और हमने ब्रज को प्रेजेंट करने के लिए ब्रजवासी ब्रदर्स बनाया। सभी जानते हैं सुर है उनमें, तो हमने एक फ्यूजन स्टार्ट किया था ब्रजवासी ब्रदर्स के नाम से, क्योंकि हम हमेशा ट्राई करते हैं कि हमारे ब्रज को, हमारे मथुरा को रिप्रेजेंट किया जाए। क्योंकि आप अगर देखें तो हर स्टेट के लोग अपने स्टेट को प्रेजेंट करते हैं, हर शहर के लोग अपने शहर को प्रेजेंट करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ के लोग बहुत कम कर पाते हैं। बहुत कम चुनिंदा ऐसे लोग हैं, महेश पाठक जी, जो अपने हमारे ब्रज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और उनमें से मैं भी हूँ, जो हमेशा ट्राई करता हूँ कि अपने ब्रज को प्रेजेंट किया जाए। तो हमने ब्रज, अपने ब्रज को अलग लेवल पे ले जाने, म्यूज़िकली अलग लेवल पे ले जाने का ट्राई किया है। तो हम म्यूज़िकली सोच रहे हैं कि कुछ अच्छा हो और ब्रज के म्यूज़िक को, क्योंकि श्री हरदास जी महाराज म्यूज़िक की स्थापना यहाँ से, वृंदावन से। और अपने ऊपर पापा और ताई अनीता पाठक को अपना प्रेरणा स्रोत मानते हैं। कुछ एक ऐसे लोग हैं चंद ब्रज में जो मुझे हमेशा प्यार करते हैं, जैसे अनीता ताई जी हैं, महेश पाठक जी हैं, जो मुझे बहुत आशीर्वाद देते हैं। ऐसे लोगों की वजह से मैं बम्बई में जाके बोल देता हूँ कि हाँ मेरे पीछे लोग हैं, क्योंकि वहाँ पे खड़े रहने के लिए बड़ा सपोर्ट चाहिए, वहाँ पे हर कोई खड़ा नहीं रह सकता। ऐसे बिना गॉड फादर के लोग तो पता नहीं कितने लोग वहाँ पे दब के मर गए, तो हम लोग तो स्टैंड कर सकते हैं क्योंकि हमारे पीछे सपोर्ट अच्छी है, हमारे पीछे हमारे स्ट्रॉन्ग है, हमारी बैकबोन। सारे लोगों का बहुत प्यार है मुझे, सारे ब्रजवासियों को मैं बहुत बहुत थैंक यू बोलता हूँ। अभी राइजिंग स्टार मुझे पूरे भारत ने बनाया, बाहर से भी मुझे इतना मैसेजेस आते थे, तो मैं सारे लोगों को बहुत थैंक यू बोलना चाहता हूँ, जितने लोगों ने, जो लोग मेरे म्यूज़िक को पसंद करते हैं। और आई होप कि आने वाले दिनों में आपके जितने इंडस्ट्री के अवार्ड हैं आपके चरणों में होंगे। तो जब जिस समय फाइनल चल रहा था, उस समय आपके अंदर क्या चल रहा था? क्योंकि उम्मीदें लोगों की इतनी है कि अगर मैंने कुछ भी गलती कर दी तो वो उम्मीदें टूट जाएंगी। वो अब हेमंत ब्रजवासी अकेला नहीं है, अब हेमंत ब्रजवासी सदैव संपूर्ण ब्रज का है, संपूर्ण भारत का है, क्योंकि सब लोग इतना प्यार करते हैं, सब चाहते हैं कि हेमंत अच्छा करे, तो वो जिम्मेदारी मेरे ऊपर भी है। तो डर लग रहा था स्टेज के पीछे, लेकिन दीवार उठी, ऊपर से वर्षा हुई उसकी, जो होता है बूम करके, तो गाना गा रहा था, मैंने गाना नहीं छोड़ा, एंड तक मैं गाता रहा। कौन सा गाना था उस समय? अलविदा, अलविदा गाना था, और बहुत डिफिकल्ट गाना, अलग जॉनर का गाना है, मेरे जॉनर का है नहीं। तो मैंने, आई एम द ओनली कंटेस्टेंट जिसने हर जॉनर ट्राई किया है, तो थैंकफुल
हूँ गॉड का, जिन्होंने इतना मुझे आशीर्वाद दिया है, हमेशा मुझ पर कृपा रही है ठाकुर जी की। चलिए हम भी आपको और बधाई देंगे और आगे जाइए। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू वेरी मच, जय श्री राधे। वहीं ताई अनीता पाठक ने इस खुशी को एक ऐसी खुशी बताया जिसका बखान नहीं किया जा सकता। मैं बहुत खुश हूँ उसके लिए, और मैंने एक तरह से आप ये समझिए भविष्यवाणी ही कर दी थी इसके पहले एपिसोड को देख के कि हेमंत ब्रजवासी राइजिंग स्टार जीत के आ रहा है। खूब सारी बहस और तर्क होते थे मेरे घर में, सबसे घर के बाहर भी बोलते थे ज़्यादा आप ओवर कॉन्फिडेंट हो। मैंने कहा मैं ओवर कॉन्फिडेंट नहीं, सिर्फ कॉन्फिडेंट हूँ। ठाकुर जी के बाद सेकंड आपके हाथ में ये ट्रॉफी देखकर आपको क्या लगा? मैं बता नहीं सकती क्योंकि इस खुशी का कोई पैमाना नहीं है। आप यकीन मानिए मैं इसको नाप नहीं सकती, मैं इसको तोल नहीं सकती इसका वजन, लेकिन ये मेरे लिए जितना गर्व की बात है मैं बता नहीं सकती। मुक्ति कहे गोपाल सोंप, मेरी मुक्ति बताए, ब्रज रज उड़ मस्तक लगे, मुक्ति मुक्त है जाए। चारों धामों से निराला ब्रज धाम और उसकी विरासत, संस्कृति, खान पान, रहन सहन का जीवंत माध्यम ब्रजभूमि न्यूज यूट्यूब पर, जहां नित्य ठाकुर दर्शन, संत महंतों के आशीष वचन, भावपूर्ण भजन, ठाकुर रासलीला के नित्य दर्शन, आध्यात्म पर चर्चा और आपकी जिज्ञासा के उत्तर, साथ ही मुख्य मुख्य आयोजनों का सीधा प्रसारण यूट्यूब चैनल के माध्यम से। आप जुड़ें ब्रजभूमि न्यूज से और ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आनंद लें ब्रजभूमि न्यूज का।